हमारे YouTube चैनल परफेक्ट सिग्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके सारे फंक्शन और फीचर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा गाइज। उससे पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए हम बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये हमारा एक इंडक्शन है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है, लाइन से चलता है। थोड़ा तो बिजली बिल इसमें आता है लेकिन इस पर हमारा जो खाना है वो गैस के अपेक्षा, गैस के मुताबिक इस पर जल्दी खाना पक जाता है। तो इसके बारे में आपको और बताएं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, यहीं से हमारा जो है वहाँ से कंट्रोल होता है कि आपको क्या बनाना है, कौन से मोड पर करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन ऑफ़ का जो बटन दिया हुआ है, यहाँ से हमारा ऑन ऑफ होगा जो बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू भी हमें दिए हुए हैं, जैसे कि मोड दिए हुए हैं कि हमें क्या बनाना है, किस मोड पे हमें करना है, हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले प्लग इन करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो है वो उसमें लाइट आता है कि नहीं आता है, और जो हमारा इस पर थोड़ा सा हम पानी भी गर्म करके बताएंगे कि हमारा जो वाटर है वो कितने देर में बॉयल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्लग इन करेंगे। तो प्लग इन करने के लिए हम बात कर लेते हैं इस कॉर्ड के बारे में। तो कॉर्ड हमारा जो है वो बहुत ही बढ़िया, इसकी लेंथ की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा करीब 1.5 मीटर के करीब दिया हुआ है। इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है, आप कहीं भी इसको रख के, कहीं भी अपने किचन में या फिर वैसे भी टेबल पे रख के आप इसे प्लग इन कर सकते हो, कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्ड हमारा 1.5 मीटर के करीब दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले प्लग इन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक छोटा सा साउंड भी आया है थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी जो रेड कलर की यहाँ पे बत्ती है वो जल चुकी है, इट मीन्स कि हमारा जो लाइट है इसमें करंट है वो सप्लाई हो चुका है। बट जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं, सॉरी इस बटन को हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ये इंडक्शन है वो ऑन नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ से हमारा थोड़ा सा हिल जा रहा है, तो इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है वो जल जा रहा है। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे जो ईवन आप देख रहे हैं वो आपको शो कर रहा है कि आप कुछ एरर शो कर रहा है, इट मीन्स कि आप इस पर कुछ अभी रखे नहीं हो, इस पर हमारा कोई भी अभी वैसा बर्तन वगैरह नहीं है कुछ भी पकाने के लिए, इसलिए वो एरर शो कर रहा है। और एरर इस बात कभी कभी ऐसे भी शो करता है कि आप कोई भी बर्तन इस पर रखे हुए हो वो अच्छे से अगर इस पर पकड़ेगा नहीं, ये चीज़ का ध्यान रहेगा इसके, आप जब भी इस पर कोई भी बर्तन रखो या फिर कोई भी बाउल रखो तो वो हम नीचे का जो सरफेस होना चाहिए पूरा फ्लैट होना चाहिए, तभी आपका जो ये इंडक्शन है उस पर ये पकड़ेगा। इस पर एक चीज़ और बता दें कि इस पर सारे बर्तन नहीं पकड़ते हैं, इसका एक अलग से सब बर्तन आता है जिससे जो कि हमारा इस पर काम करता है। इस पर आप अगर चाहें कि कोई वैसा भी बर्तन या फिर कोई आयरन का चीज़ इस पर करके आप कोई भी खाना बढ़िया से पका सकें तो नहीं बन पाएगा, उसके लिए आपको इसकी जो आती है, जो बर्तन आती है इंडक्शन की, स्पेशलिस्ट इंडक्शन की बर्तन आती है तो वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। कुछ कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि स्टील के होते हैं, वो भी इस पर पकड़ लेते हैं। कि जैसा कि मेरे पास एक बाउल है, ये आप देख रहे हैं कि मेरा पूरी फुल्ली स्टील का बना हुआ है, पीछे में भी कुछ वैसा चीज़ नहीं दिया, ये फुल्ली स्टील का है, ये इंडक्शन का नहीं है। ये इंडक्शन का हमारा जो आप बाउल देख रहे हैं वो इंडक्शन का नहीं है, ये हमारा स्टील का ही है। बट ये हमारा फ्लैट है, ये इस पर अगर हम रखेंगे तो ये इसको पकड़ लेगा और इस पर पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रहेगा इसके, आप जब भी कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हो तो उसका जो नीचे का प्लेट है, नीचे का जो बेस है वो पूरी तरह से फ्लैट होनी चाहिए, तभी हमारा ये यहाँ पे लाइट इसमें, सॉरी करंट पकड़ेगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और देखेंगे कि जो हमारा पानी है वो कितने देर में बॉयल हो रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, इतना काफ़ी है। इसको हम अभी ऑन करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं हमने इसको ऑन कर दिया है, और जो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि 1000 हमारा है, ये हमारा इस हॉटपॉट पे है। हॉटपॉट को आपको बता दें कि अगर हॉटपॉट मोड पे आप करेंगे तो आप आपका मैक्सिमम जो है अभी 1000 पे है, मैक्सिमम आपका 2000 तक जाएगा।
अगर हम इसको प्रेस को प्रेस करते रहें तो मैक्सिमम हमारा 2000 तक जाएगा। अब प्रेस करेंगे तो हमारा ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि हमारा अभी हॉटपॉट मोड पे है। अगर इसी को हम अगर फ्राई पे करें, अभी उसको हम बाद में दिखाएंगे, अभी हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी के अंदर कुछ बबल्स वगैरह क्रिएट होने स्टार्ट हो गया है और तो कुछ वेपर भी निकलने लगा है। गाइस आपको बता दें कि हमारा जो गैस होता है उससे जल्दी, बहुत ही जल्दी इस पर जो कुछ भी है, कुछ भी अगर हमें बनाना है तो हमारा इस पर इंडक्शन पर काफ़ी जल्दी बन जाता है और समय की भी बचत होती है। तो आप देख रहे हैं पानी को, पानी हमारा बबल्स पूरा आने लगा है और ये बॉयल भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप बिना वीडियो पॉज किए आपको मैंने दिखाया कि इसमें जो पानी है वो कितना जल्दी बॉयल हो रहा है। अभी तो मैंने इसको 2000 वाट पे किया था, अभी इससे भी हाई एक मोड है गाइस, उसको बता दें। इससे भी जल्दी उस वाले मोड पे अगर आप करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो इससे भी जल्दी बॉयल होने वाला है। तो आप देख रहे हैं वीडियो में जैसा कि हमारा जो पानी है वो फुल्ली बॉयल होने लगा है। इसको हम बंद कर देंगे, अभी जैसा कि हमने इसे बंद कर दिया, अभी आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा मोड था, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारा 1000 पे है। अगर आपको इससे भी हाई करना है तो आप ये यहाँ पे जो देख रहे हैं मेनू जो लिखा हुआ है उसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप मेनू प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा है वो फ्राई मोड पे हो चुका है, जो कि हमारा 240 डिग्री सेल्सियस पे है, जो कि हमारा हाईएस्ट है। इस इंडक्शन चूल्हा में आपको हम बता दें कि 240 डिग्री जो हमारा मोड है वो सबसे हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा आप किसी भी अगर मोड पे करते हो तो इससे ज़्यादा आपका हीट होने वाला नहीं है। देखिए इस पे किया हमने, पानी बॉयल हो रहा है। सबसे हाईएस्ट आपको बता दें कि यही मोड है जिससे कि हमारा कुछ भी चीज़ अगर कुछ भी करना है तो ये मोड हमारा सबसे हाईएस्ट है। बहुत ही जल्दी इस पे हमारा कोई भी चीज़ बन के तैयार होने वाला है। और भी चीज़ आपको हम बता दें कि इस पर बहुत सारे मोड्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि फ्राई दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्राई करना है तो आप फ्राई मोड पे कर सकते हो। कोई भी हॉटपॉट में चीज़ अगर आपको बनाना है उसके लिए आप हॉटपॉट मोड यूज़ कर सकते हो। वाटर बॉयल करना है तो आप वाटर पे कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जल्दी करना है तो आप अगर फ्राई पे करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो वाटर है वो बॉयल होकर बाहर निकलेगा। अगर सूप बनाना है तो सूप के लिए भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इस पे राइस बनाना है, चावल बनाना है तो यहाँ पे भी चावल का भी दिया हुआ है। मिल्क बॉयल करना है, मिल्क के लिए भी दिया है। वो राइस करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ऑन बटन को आप प्रेस करोगे और यहाँ से आप मेनू बस प्रेस करते जाओगे तो वहाँ पे आपका उस मोड पे होता जाएगा। जैसे कि अभी मैंने मेनू प्रेस किया तो हमारा फ्राई मोड पर हो गया। अब मेनू प्रेस करूँगी तो वाटर मोड पर हमारा जाएगा। ये देखिए वैसे जैसे ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो मोड है वो चेंज होते जाएगा। अभी हमारा सूप मोड पर है, देन राइस हुआ, आप देख रहे हैं। मिल्क पे आपको बता दें कि सबसे कम हमारा जो टेम्परेचर है वो मिल्क पे दिया हुआ है, ताकि हमारा कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो अगर हम मिल्क मोड पे करके जाते हैं तो हमारी जो दूध है वो जलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारा 300 पे है वो बहुत ही धीरे धीरे हमारा बॉयल हो जाएगा, जिससे कि हमारा दूध नहीं जलेगा। तो दूध के लिए हमारा ये 300 दिया हुआ है। हॉटपॉट के लिए आपको बता दें, और मिनिमम की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम आपको 300 ही दिया हुआ है। 300 डिग्री से आपका जो है इससे कम होने वाला नहीं है। 3 डिग्री हमारा मिनिमम है, और जो मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम आपको बताया था मैंने 240 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है। तो आपको मैंने दिखाया गाइस कि कैसे हमारा जो ये मोड है कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर हॉटपॉट पे है, अगर इसको आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो बस प्लस वाला बटन है वो आप प्रेस करते रहोगे। अगर आपको थोड़ा सा इससे कम टेम्परेचर चाहिए तो माइनस वाला जो बटन है उसको बस प्रेस करते जाओगे। और इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई ज़्यादा हमको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिकली वैसे वैसे आप हर एक फंक्शन इसका जान जाओगे। कोई वैसा ज़्यादा इसमें कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है कि जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपको दिखाया कि जो हमारा सनफ्लेम का है वो अच्छी खासी जो ब्रांड है हमारे सनफ्लेम है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं गाइस, आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, लेकिन मेरा जो ये इंडक्शन है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं हर एक फंक्शन आपको बता रही हूँ, वो हमारा सनफ्लेम का है।
और इसके कुछ हम बॉडी की बात कर लें तो बॉडी हमारी जो है ये आप देख रहे हो जो सिल्वर कलर की आपको दिख रही है वीडियो में, ये हमारा पूरी ही प्लास्टिक बॉडी बनी हुई है। और यहाँ पे हमारा छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जहाँ की हमको शो करेगा कि हमारा शो करेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है। यहाँ से छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है। और एक जिसपे हमारा खाना पक रहा है उसकी हम बात कर लें तो वो हमारा फुल्ली ग्लास बॉडी का ग्लास का बना हुआ है। बहुत ही थिक ग्लास है गाइस, जिससे कोई भी वैसा पतला ग्लास नहीं है कि जिससे भी थोड़ा सा ही गिरने पर टूट जाए, वैसा बिल्कुल भी इस पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कॉर्ड की मैंने बात की, कॉर्ड आपको बता ही दिया कि हमारा 1.5 मीटर से ज़्यादा ही हमारा कॉर्ड मिल जाएगा, जिससे कि हम इसे कहीं भी रख के इसको प्लग इन कर सकते हैं और खाना अच्छे से पका सकते हैं। और तो उसमें गाइस कुछ दिया नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे हर एक फंक्शन के बारे में बताया, इसको कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दिया। अगर इसमें इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एक चीज़ और गाइस मैं भूल गई हूँ इस वीडियो में बताना कि ये जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा 2000 वॉट का है, जो कि पावर है इसका, इसका पावर 2000 वॉट का है। थोड़ा तो इस पे जो लाइन है वो तो खींचेगा, लेकिन आपका जो खाना है वो बहुत ही जल्दी बन के बाहर आने वाला है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये हमें 2400 का पड़ा हुआ है, जो कि मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों दे दूँगी, वहाँ से आप अच्छे से परचेज कर सकते हो। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।